वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहागपुर। अभी हम लोगों ने इससे पहले एक्शन वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको एक और नया टॉपिक समझाने वाली हूँ जो है दिस एंड दैट। यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस और दैट क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। और ये यह और वह कहाँ पर यूज़ होते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, दिस इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग नियर। जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। दिस दैट इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग फॉर अवे। जो चीज़ हमसे दूर होती हैं, जो वस्तुएं हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम दैट का उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमें कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए, दिस इज़ अ पैरट। ये जो पैरट है ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारे नियर है, हमारे पास है। दिस इज़ अ पैरट, ये एक पैरट है, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसलिए हमने इसमें दिस लगाया हुआ है। लेकिन आप इस आउल को देखिए, ये क्या पैरट से दूर है, तो इसके लिए हम दिस का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बोलेंगे दैट इज़ एन आउल, ठीक है, वह एक उल्लू है और यह एक पैरट, एक तोता है। तो यहाँ पर आपको अंतर समझ आया कि दिस और दैट क्या होता है? जो हमारे नज़दीक है, जो हमारे पास है, वह हम दिस से बोलेंगे उसके लिए, और जो हमसे दूर है उसको शो करने के लिए हमें दैट वर्ड का यूज़ करना है। और आगे भी एग्जांपल देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो हमारे नियर है, लेकिन ये जो ट्री है वो हमसे दूर है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ वर्ड, यह एक वर्ड है। लेकिन अब हमको ट्री के लिए बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ ट्री, वह एक पेड़ है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग देखेंगे दिस इज़ अ पेन। ये देखिए जो पेन है वो पास है, तो हम क्या करेंगे? दिस इज़ अ पेन। उसके बाद हमको ये बुक बोलना है तो दैट इज़ अ बुक, क्योंकि ये पेन से दूर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ बुक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ अ कार। ये देखो कार जो है वो हमारे पास है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ कार। इसके बाद एरोप्लेन देखो, ऊपर है, दैट इज़ एन एरोप्लेन, यह वह एक एरोप्लेन है। तो कार हमारे पास थी तो हमने दिस लगाया, एरोप्लेन दूर था तो हमने दैट लगाया। इस तरह आपने यहाँ पर इन एग्जांपल्स के थ्रू दिस और दैट का मतलब समझा। अब आपको इनको बार बार रिपीट करना है और इनको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप दिस और दैट का डिफरेंस समझ सकें। और डेली रूटीन में भी जो चीज़ें आपके पास हैं तो आप उसके लिए दिस बोलेंगे, और जो चीज़ें आपसे दूर हैं उसके लिए आपको दैट बोलना है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स कलेक्ट करना है कि आपने कहाँ कहाँ पर दिस और दैट का यूज़ किया है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब थैंक यू सो मच।